बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 17 सूरह बनी इसराइल के वर्स नंबर 36 पर कुछ जुडिशियल थाउट्स पर, यानी कि हाउ टू गिव टेस्टिमनी इन फ्रंट ऑफ जजेस, आज के इस टॉपिक में हम इसी पर बात करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार्य खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एज वी नाउ दैट कि आज सोसाइटी में रहते हुए हम में से किसी शख्स को किसी किस्म के बहुत सीवियर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम्स उसे फेस करने पड़ जाते हैं। अब इसके सॉल्यूशन के लिए, इसके हल के लिए, जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए वो जाकर अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है, उसे अदालत के सामने पेश होना पड़ता है। अब जब वो कोर्ट जाता है, अदालत जाता है, तो वहाँ पर वो अपना मुकदमा पेश करता है, वो अपना मुद्दा पेश करता है, अपनी प्रॉब्लम उनके सामने रखता है। अब जब उसके केस को दायर कर लिया जाता है, तो इसके बाद जब उसमें इन्वेस्टिगेशंस कोर्ट की तरफ से स्टार्ट हो जाती है, तहकीकात शुरू हो जाती है, तो अब उस शख्स को अपने हक में बहुत से प्रूफ्स भी पेश करने पड़ते हैं, जाहिर सी बात है, जिससे वो अपने आप को राइट साबित कर सके, उसके लिए उसे प्रूफ्स देने पड़ेंगे। और समटाइम्स ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि उसे अदालत के सामने विटनेस यानी कि गवाहों को भी पेश करना पड़ता है। अब कोई शख्स जो अदालत के सामने एज अ विटनेस, एक गवाह के तौर पर पेश हुआ है, किसी का गवाह बनकर वो जज साहब के सामने पेश हो गया, जजेस के सामने वो पेश हुआ है, अब वो अपने आप को एक नॉर्मल, एक आम पर्सनैलिटी ना समझे, बल्कि उसके ऊपर उस वक्त एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है। उस शख्स को चाहिए कि जो गवाही देने के लिए आया है, कि उसके लफ्ज लफ्ज से, उसके एक एक वर्ड से पता चले कि ये कोई आम शख्स नहीं, बल्कि ये तो मोहम्मद अरबी का गुलाम बोल रहा है। उसके अल्फाज से, उसके गवाही देने के स्टाइल से किसी किस्म की झूठ की कोई झलक वाजिया ना हो रही हो, झूठ की किसी किस्म की कोई झलक ना हो, बल्कि उसकी जुबान से सच्चाई का एक एक लफ्ज निकले, झूठ की कोई आमेजिश ना हो। यहाँ पर वो समझता है कि मैं एक आम पर्सनालिटी के तौर पर आ गया हूँ, बल्कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर आयद होती है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेकर आया है। अब हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में होता कुछ इस तरह है कि जिस तरह आपको पता है कि हमारे यहाँ एक VIP सिस्टम जिस तरह चल पड़ा है ना, हमारे यहाँ तो दोस्तियाँ यारियाँ चलती हैं, हमारे यहाँ फेवर चलते हैं, हमारे यहाँ पैसा चलता है, हमारे यहाँ सिफारिश चलती है। अब जो विटनेस आते हैं, जो गवाह आते हैं, उन्हें भी पहले से समझा दिया जाता है कि तुमने जज साहब के सामने मेरे हक में इस तरह बोलना है। तो यहाँ तक कि वो जब जज साहब के सामने पेश होता है, तो वो तो झूठी गवाही पेश कर देता है, वो तो झूठ बोल देता है, वो फॉल्स टेस्टिमनी पेश करता है, वो अपने आप को ही क्रिमिनल बना रहा होता है। जाहिर सी बात है, वो उसे जो चीज़ पता ही नहीं होती, जिस तरह उसे सिखाया गया लॉयर की जानिब से या उस शख्स की जानिब से कि मेरे फेवर में इस तरह बोलना है, वो उसी तरह बोलता जाएगा। हालांकि वो ये भूल जाता है कि वो यहाँ पर अपने आप को एज किस तरह से उसने टेस्टिमनी एक विटनेस के तौर पर शो करना है, वो इन प्रिंसिपल्स को ही भूल जाता है, वो प्रिंसिपल्स को ही भूल जाता है, और दूसरे शख्स को वो झूठा साबित करने के लिए कैसी कैसी मन घड़त स्टोरीज गढ़ लेते हैं और झूठ बोल दिया जाता है फेवर किसी के कहने पर। यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें पता भी हो कि हमारा दीन इस्लाम क्या कहता है, हमारा मालिक हमसे क्या कहता है, हमारा कुरान करीम हमसे कहता क्या है कि हमें एज अ विटनेस किस तरह से प्रेजेंट करना है इस केस को। देखिए, सबसे पहले तो हमें, जिस तरह हमने बात की कि हमें किसी किस्म की भी कोई झूठी गवाही नहीं देनी, हमें झूठ किसी किस्म का नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा शख्स जो किसी पर, किसी के अगेंस्ट यानी कि झूठी गवाही दे देता है, वो फॉल्स टेस्टिमनी पेश करता है, तो रोजे मैशर वो कदम भी ना उठा सकेगा और उस पर जहन्नम वाजिब कर दी गई है। अब आप देखें, आप पर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि यहाँ पर आपने किसी किस्म
की इल्जाम तराशियां नहीं करनी, दूसरे को गलत साबित करने के लिए स्क्रिप्टेड ही आपने नहीं पढ़ना जो कुछ भी, लेकिन आप ये देखें कि आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, आपने कल को मरना भी है। अल्लाह ताला तो ऐसे शख्स पर जो झूठी गवाही पेश करता है ना, उस पर तो जहन्नम को वाजिब कर देते हैं। एक और जगह पर हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला कयामत के रोज वो शख्स जो झूठी गवाहियां देता है, दूसरों पर इल्जाम तराशियां कर देता है, उसे पुल सिरात पर रोक दिया जाएगा और उसे जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। एक और मकाम पर फरमाया कि ऐसे शख्स को जो झूठी गवाही पेश करता है, यहां तक कि उसे इस बात का खुद आइडिया नहीं होता, ऐसे शख्स को अल्लाह ताला रोजे महशर जहन्नम में दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर देंगे, उसे जहन्नम के दर्दनाक मकाम में दाखिल किया जाएगा और तब तक उस पर उसे सख्त अजाब दिया जाएगा जब तक वो अपने उस इल्जाम तराशी की सजा को पूरा नहीं कर लेता। अब आप देखें, क्या आप वहां पर एक आम पर्सनालिटी के तौर पर जा रहे हैं? आपको तो वहां पर अपने आप को मोहम्मद अरबी का गुलाम प्रेजेंट करना था कि मैंने यहाँ पर सदाकत से, सच्चाई से काम लेना है और जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, उसी तरह मैंने बयान करना है। अगर मैंने कुछ देखा ही नहीं, अगर मैंने उस केस के हवाले से कुछ सुना ही नहीं, तो मैं क्यों आ जाकर विटनेस बनूं? कुरान करीम सूरह बनी इसराइल के वर्स नंबर 36 में यही कहा जा रहा है ना कि जो बात तुमने देखी ही नहीं है, जो बात तुमने सुनी नहीं है, तो उसे क्यों अपनी जुबानों से कहते हो? इससे तो हमारा दीन हमें मना कर रहा है, अल्लाह ताला मना कर रहे हैं, प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम मना फरमा रहे हैं, तो उसके बाद हमारे लिए और क्या चीज़, किस चीज़ की ज़रूरत रह जाती है? तो आज हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं कि अदालतों में पेश होकर झूठी गवाहियाँ दी जाती हैं, कुरान करीम पर हाथ रख के झूठे हलफ उठाए जाते हैं, झूठी कस्में उठाई जाती हैं, अल्लाह रसूल की झूठी कस्में उठा ली जाती हैं और हम लोग बिल्कुल ही बेखौफ हो जाते हैं, जैसे हमने कभी मरना ही नहीं। तो आज हम सबको चाहिए कि हम अपनी इस्लाह करें। अगर हमें किसी मौके पर भी अदालत के सामने एज अ विटनेस पेश होना पड़ता है, तो हम अपने दीन को सबसे पहले प्रायोरिटी रखें कि हमारा दीन सबसे पहले है, हमारा दीन क्या कहता है उस चीज़ को हमने फॉलो करना है, ना कि हम ये देखें कि हमारा दोस्त यार क्या कहता है और हमें कितने पैसे मिल रहे हैं। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद टॉपिक को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।